दो दिन की छुट्टी के बाद रनवास से वापस लौटे पाक के पीएम इमरान खान पिछवाड़े पर चमेली का तेल लगाकर खुशबू बिखेर रहे हैं। हजारा रोड के उद्घाटन पर उन्होंने जिस प्रकार पाकिस्तान के विपक्ष को जबानी कैक्टस भेजे, उससे फजलुर रहमान के तहमंद कैसे फटे जा रहे हैं। इमरान ने फजलुर को आईना दिखाते हुए कहा है कि पाकिस्तान के धरना एक्सपर्ट के रुतबे में वह नंबर एक है, उनसे बड़ा धरना एक्सपर्ट कोई पैदा नहीं हुआ है। वर्ष 2014 में उन्होंने 126 का धरना देकर डी चौक को अंडे चौक के रूप में ख्याति दी है, यानी कंटेनर में मुर्गी की तरह रहने वाले पाकिस्तानी नेताओं की राजनीति धरने से शुरू होकर धरने पे खत्म हो जाती है, जबकि पाकिस्तानी जनता को मिलते हैं नए खुलने वाले तहमंद के बाजार, जहां दाम घटने की बजाय हर धरने के बाद दाम बढ़ते चले जाते हैं। पर यह जिरे इमरान फजलुर के धरने से ऊपर पहुंच गई है। फजलुर को इमरान ने लताड़ लगाते हुए कहा है कि पैसे लेकर फतवा देने वाले मौलाना सियासत कर रहा है, उनका धरना एक सर्कस से ज्यादा कुछ नहीं है। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान भी भारत की तरह फतवों से फिक्रमंद है। भारत के मुल्ला भी फतवों के नाम पर जो दुकानें चला रहे हैं, पाकिस्तान भी उससे दो चार है, पर मामला तो उससे कहीं आगे है। फजलुर ने इमरान को ललकारते हुए कहा है कि इमरान खान और उनके चरित्र का मुकाबला करो, उनके पिता और इमरान के पिता दादा का दादा के चरित्र से मुकाबला करो। फजलुर का यह वार तीन बीवियों के पति पर सीधा हमला है। इसका मतलब यह भी है कि इमरान खान नाम का यह लोंडा अपनी अय्याशी के लिए ख्याति प्राप्त है। शायद पाकिस्तानियों ने इसमें अपना प्रतिबिंब तलाशा होगा, तभी तो इसे वजीर आजम चुना है। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि कीकर के पेड़ पर कांटे ही लगते हैं। मदरसों के मुल्क में तहमद ही बिकेंगे, यहाँ सफेद झंडों की उम्मीद नहीं की जा सकती है। मजे की बात यह है कि जिस मुल्क में प्रधानमंत्री के चरित्र को लेकर वाक युद्ध की शुरुआत फजलुर ने की है, वहां इस विषय की कोई तालीम नहीं दी जाती है। पेट से निकले बच्चे को बेहतर उम्र के ख्वाब दिखाकर उन्हें लंगोटी ढीली रखने की सीख दी जाती है। इस्लामाबाद और कराची के कई मदरसों की दीवारों पर तो बाकायदा हुरों का लिखित वर्णन किया गया है। इसलिए पाक जैसे मुल्क में महिलाएं अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है। यूं भी इस मुल्क का वजीर आजम तीन बीवियों का पति होने का तमगा लगाकर पाकिस्तान को गौरवान्वित कर रहा है। इमरान खान की हालत उस ऊंट के जैसी है जिसे गहरे गड्ढे से लेटकर पानी पीना पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था के बदहाल होने पर इतने सवाल नहीं उठे हैं जितने कि भारत द्वारा कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35 के बाद उनकी फजीहत हुई है। फजलुर इन्हीं दो मुद्दों पर इमरान की सत्ता से विदाई की पटकथा लिख रहे हैं। यह धरना एक्सपर्ट और वर्तमान पाक मुल्ला के बीच का राजनीतिक संघर्ष है, जिसका पैरामीटर इन दोनों के चरित्र को माप रहा है। लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि इमरान के चरित्र और मौलाना के चरित्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहां तो पूरा पाकिस्तान ही इनसे मिलता जुलता है, शायद इसलिए इस देश में रेडी ठेलों पर तहमंद बिकते हैं। तहमंद की खासियत यह भी होती है कि इसके नीचे लंगोटी की कोई जरूरत नहीं रहती। इस खुले संसार में इसका सीधा संबंध हूरों से ही जुड़ता है और पाकिस्तान हूरों की खोज के लिए ही जाना जाता है। यहां फजलुर से लेकर इमरान लोंडा, बच्चे से बूढ़ा, सभी हूरों के लिए तहमंद बांधकर घूमते हैं। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।